आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हैलोजन्स। ऑप्शन ए है, ऑल ऑफ देम हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि जो भी हैलोजन्स होते हैं हमारे, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन्स NS2NP5 होता है। ये होता है NS2NP5 होता है। NS2NP5 की वजह से 2+5 7, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे आउटर मोस्ट शेल में, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ देम हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। ऑप्शन बी है हमारा, दे ईदर गेन एन इलेक्ट्रॉन बाई फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड और फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड बाई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनाएंगे, जो हमारे हेलोजन्स होते हैं जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारा फॉर्म करते हैं X माइनस आयन जो होता है वो प्लस किसी भी कैटायन के साथ मिलके आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इनके बीच में, और X माइनस ए प्लस का ये हमारा आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड फॉर्म होता है। सेकेंड कंपाउंड हमारा कोवेलेंट से कैसे फॉर्म होता है, जो X होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, X के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी इसके लोन पेयर्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी भी दूसरे एटम के साथ क्या कर लेता है, इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ पे इसकी शेयरिंग हो जाती है, किसी भी इसके साथ में शेयरिंग हो जाती है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये हमारा कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो X से हमारा फॉर्म होता है ये होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से हमारा ये फॉर्म हुआ है। तो दो तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये X माइनस बना लेगा और ए प्लस के साथ आयनिक बॉन्ड एंड देन X से कोवेलेंट बॉन्डिंग से। तो ऑप्शन बी भी कैसे हमारा, ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट है। सी है हमारा, ऑल एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि F में क्या होता है, जो F एटम होता है, F एटम में हमारे पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। F का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p5 होने की वजह से इट डज नॉट हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर करके डी में ले जा नहीं सकता और वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, ये खाली -1 की वैलेंसी शो करता है। तो ऑप्शन सी जो था हमारा, ये ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट था। ऑप्शन डी है, ऑल फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये करेक्ट है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म करते हैं, अगर कोई भी हमने ले लिया, मान लो Cl हमने लिया है, तो Cl क्या करेगा, Cl अपना एक जो बॉन्ड है ये कोवेलेंटली शेयर कर देगा दूसरे Cl एटम के साथ, और इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे लोन पे 3 प्रेजेंट है। तो ये डाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पे इसने Cl2 बना लिया, सेम बाकी हेलोजन एटम्स के साथ भी होते हैं। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। तो क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ हेलोजन्स। आंसर है ऑप्शन सी, सी हमारा यहाँ पे आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।